It is famously said that when somebody told you his secret, do not expose it to the others. Why? Because when somebody speaks with his heart, the secret now lies in your heart. When you nourish it, when you give water and proper nourishment to that secret is always lies in your heart. It is better to plant it, to nourish it in your heart rather than planting it on others, exposing it to the millions of others about that secret. Hello and welcome you all in this book reading session. And in today's very fantastic story, we will discuss about a very extraordinary man. Yes, I'm telling you right thing. An extraordinary man who is armless and legless but still weave clothes. How is it possible? Let's discuss it in our story. The Basket Weaver, Tokriyan Banane Wala Jolaha. There was once a Sufi Sheikh who had no arms. Ek martaba ek Sufi Sheikh tha jiske na to koi haath the, and yet he managed to weave baskets for a living. Weave karne ka matlab hota hai craftsman hona, jolaha hona. ये क्या करता है, ये कपड़े बनाता है, ये चीज़ें बनाता है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, अगर वीवर भी जो है वो कपड़े बनाता है तो टेलर कौन होता है? टेलर का काम भी कपड़े बनाना होता है. इन दोनों का मेन डिफरेंस ये है कि जो वीवर होता है वो क्या करता है, वो मुख्तलिफ धागों से को बुन के उनको मिला के एक कपड़ा बनाता है, और जो टेलर होता है वो एक बड़ा सा कपड़ा ले के उसको काट के उसमें से आपका एक कपड़ा बना के देता है. तो ये दो जो है वो दोनों ही एक ही प्रोफेशन के, इनमें स्लाइड सा डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया कि जो टेलर होता है वो एक बड़े से थान से, एक बड़े से कपड़े से उसको कटिंग करके उसमें से आपके कपड़े बना के देते हैं. जैसे कि आप टेलर की शॉप पे गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा. और जो जुलाहा होता है वो मुख्तलिफ किस्म के धागे जो है उनको आपस में बुन के उससे आपको कपड़े बना के देता है. तो वीवर जो था, इसे उर्दू में हम जुलाहा कहते हैं, तो वो जुलाहा जो था वो कपड़े सिया करता था, लेकिन उसके हाथ नहीं थे. अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप जो अगर कपड़े बनाएंगे तो हाथों से ही बनाएंगे. अब उसके हाथ भी नहीं है और वो कपड़े भी बनाता है. अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वीवर जो है वो बास्केट्स बनाया करता है. ये जो वीवर है ये टोकरियाँ बनाता था फॉर अ लिविंग. फॉर अ लिविंग से मुराद क्या है, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, यानी उसका रोज़गार था. हर इंसान का कोई ना कोई रोज़गार होता है, ठीक है. कोई बैंक में काम करता है, आज के ज़माने में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, वो कोई वकील है. हर एक का लिविंग के लिए कोई ना कोई, इस दुनिया में रहने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई रोज़गार लाजमी तलाश करना पड़ता है. तो उसने अपना जो ज़रिया रोज़गार बनाया हुआ था वो था टोकरियाँ बनाने का, और उसके हाथ भी नहीं थे. ये आपने अपने माइंड में लाजमी देखना है. He never shared his secret, और उसने कभी भी अपना राज किसी के साथ अफशा नहीं किया था, अपना राज किसी को भी नहीं बताया था. कोई राज होगा, जैसे कि हर बंदे का कोई ना कोई बिजनेस का कोई ना कोई एक सीक्रेट होता है. जैसे आप कुकिंग की भी बात करें तो कोई ना कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट हर शेफ़ का होता है. इसी तरीके से उसका कोई ना कोई राज था, और वो राज अपना किसी को नहीं बताया उसने, विद एनीवन, किसी को भी नहीं बताया उसने. एंड जनरली और अमूमी तौर पे रिमेंड अलूफ फ्रॉम द पीपल. अलूफ का मतलब क्या था, दूर रहना, डिस्टेंस रहना, रिमोट रहना. क्योंकि वो अपना सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अमूमी तौर पे लोगों से बहुत दूर रहा करता था. ही लिव्ड ऑन हिज ओन अप इन द माउंटेन. और वो कहते हैं कि वो खुद से जो है ना वो पहाड़ी के ऊपर रहता था, पहाड़ी के ऊपर उसने अपना घर बनाया था. दैट लूम्ड ओवर द टाउन. जो लूम्ड का मतलब क्या होता है, इनलार्ज होना, अपीयर होना, जो कि उस कस्बे के ऊपर की जो पहाड़ियाँ थी उसके ऊपर उसने अपना घर बनाया हुआ था, अपनी झोंपड़ी बनाई हुई थी. वन डे एज ही वॉज बिजीली वीविंग अ न्यू बास्केट. एक दिन जब वो इंतहाई मुशक्क़त में था, इंतहाई बिजी था किसमें, बास्केट्स बनाने में, टोकरियाँ बनाने में, बुनने में, विद बोथ आर्म्स एंड हैंड्स इंटैक्ट. उसके जो हाथ हैं और बाजू वो उसके साथ लगे हुए थे. इसका क्या मतलब हुआ, पहली लाइन में पढ़ा हैड नो आर्म्स, उसके तो बाजू ही कोई नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा जी उसके हाथ भी हैं और उसके बाजू भी उसके साथ लगे हुए थे. अ मैन स्टम्बल्ड इनटू हिज हार्ट. स्टम्बल्ड का मतलब होता है ठोकर खाना, उलझ जाना, स्टैगर्ड होना, टीटर हो जाना, यानी कि वो
लड़खड़ाता हुआ किसी जगह से आया होगा, वो लड़खड़ाता हुआ उसके हट में आ गया, उसकी जो झोंपड़ी थी उसका जो कैबन था उसके अंदर वो आ गया। यानी कि जब वो बना रहा था अपनी टोकरियां तो एक बंदा कहीं से जो है ना वो एकदम से लड़खड़ाता हुआ वो उसकी झोंपड़ी में आ गया, और उस टाइम क्या था उसके जो बाजू और हाथ वो उसके साथ लगे हुए थे। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, द सूफी रिबुक इट द इंट्रूडर। रिबुक करना डांट देना, ठीक है, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। उसने सूफी ने जो है ना रिबुक किया किसको, द इंट्रूडर। इंट्रूडर से मुराद होती है जो बंदा आपकी प्राइवेसी को हर्ट करके आपके पास आता है, मुदाखलत करता है, दखल अंदाजी करता है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इन्वेडर, इनक्रोचर। तो उसने वो जो एक बंदा बगैर बताए उसकी झोंपड़ी में आ गया था उसको उसने सख्त डांटते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। Why did you rush into my home like a madman? Rush का मतलब होता है तेज़ी के साथ, तुम मेरे घर में इतने पागल आदमी की तरह इतनी तेज़ी से क्यों घुस आए हो। Who gave you permission to enter? तुम्हें किसने यहाँ पे आने की इजाज़त दी है। Forgive me master, मुझे माफ़ कर दें आका, I was overawed and lost control. Overawed का मतलब क्या होता है कि alarmed होना, shaken होना, and lost control कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा खौफज़दा था, थोड़ा भुलाया हुआ था और यहाँ पे मैं आ गया हूँ, मुझे नहीं पता। Replied the young seeker, obviously distressed that he had unsettled the old man. और उस आदमी ने उसे जवाब दिया, और यकीनी तौर पे obviously वो distress का मतलब होता है परेशान हो जाना, खौफज़दा हो जाना, यहाँ पे उसका थोड़ा सा मतलब बनेगा कि उसने इस आम आदमी के, इस बूढ़े आदमी के घर में एकदम से बगैर बताए आ गया, तो वो खुद भी थोड़ा सा परेशान हो गया था इस मामले को देख के। द ओल्ड बास्केट वीवर, वो बूढ़े जुलाहे ने स्माइल्ड जेंटली और नरमी से उसने जो है वो मुस्करा दिया, एंड टोल्ड हिम, और उसे कहा, नाउ दैट यू हैव सीन माई सीक्रेट, अब तुम्हें मेरे इस राज का पता चल चुका है। यानी कि उसके हाथ जो हैं वो कटे हुए नहीं थे, बल्कि उसके हाथ है थे लोगों को प्रिटेंड करने के लिए कि उसके हाथ नहीं है, ताकि लोग उस पर तर्स खाएँ, उसको कोई खाना दे दें या अपना काम उससे लाजमी कराएँ। तो उसने ये अपना सीक्रेट बनाया हुआ था। अब उसने कहा कि तुम्हें मेरा सीक्रेट पता चल चुका है, प्रोमिस मी दैट अनटिल आई डाई यू विल नेवर डाइवर्ज इट इनटू एनीवन। अब डाइवर्ज करने का मतलब था राज को अफशा करना, बताना, डिस्क्लोज करना, रिवील करना। कहता है मुझसे फिर वादा करो तुम कभी भी किसी को ये मेरा राज नहीं बताओगे, बी इट फ्रेंड और फो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या तुम्हारा फो हो। फो कहते हैं दुश्मन को, रकीब को, एनिमी को, राइवल को। तो वो कहता है चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, तुमने किसी को भी मेरा राज नहीं बताना। एज ही अटर्ड दीज वर्ड, जैसे उसने ये अल्फाज कहे, He noticed a group of people hunched outside the window of his hut. अब जब देखें उसने ये वाली बात उस बंदे के साथ करा, तो जैसे ही उसने ये लफ्ज़ कहे तो उसे पता चला कि कुछ लोग बाहर भी खड़े हुए हैं, hunched outside the window of his hut. Hunched करने का मतलब होता है झुक जाना, stoop होना, bow करना, यानी कि झुक के वो उसकी खिड़की के बाहर उसे सुन रहे थे और उन्होंने भी ये बात उसकी सुन ली। They had heard him as the young novice to keep his secret. अब उन्होंने वो जो एक नोविस है, ठीक है, एक वो जो नया लड़का है, नौजवान लड़का है, बिगनर है, लर्नर है, उसको ये कहते हुए सुन लिया टू कीप हिज सीक्रेट, कि वो उसका राज किसी को ना बताए। एंड दे हैड सीन हिम वीविंग हिज बास्केट यूजिंग हिज ओन आर्म्स एंड हैंड्स, और उन्होंने उसको ये भी देख लिया, यानी उस जुलाहे का जो सीक्रेट था कि उसके हाथ नहीं है और वो सबसे अलग रहता था ताकि कोई उसका राज ना देख सके, और उन लोगों ने भी बाहर खिड़की से देख लिया कि वो तो अपनी बास्केट खुद बनाता है और उसके हाथ और पाँव भी है जिससे वो अपनी बास्केट्स, अपनी टोकरियाँ वो खुद बनाता है। अब क्या होगा, He knew that his secret was out. अब उसे पता चल गया था कि उसका राज अफशां हो गया है, उसका जो राज है वो सबको पता चल चुका है, यानी अब बदनामी होगी, शर्मिंदगी होगी, लोग उस पर आवाज़ें निकालेंगे। But could not understand the reason for this intrusion into his quiet and devoted life. अब वो कहते हैं ये इंट्रूजन कहते हैं दखल अंदाजी करना, बगैर इजाज़त दाखला करना, इन्वेजन करना या ट्रेसपास करना। अब वो कहते हैं कि उसको ये नहीं समझ आई कि सारे का सारा ये मामला क्यों हुआ है, कि वो इतना ज़्यादा जो है लोगों ने उसके बिला इजाज़त उसके घर तक आए हैं और उसका जो इतनी सादा और इतनी अच्छी ज़िंदगी थी उसको उन्होंने क्यों ख़राब किया।
ट्रस्टिंग इन गॉड, उसने खुदा पे भरोसा किया, यानी अब उसका राज तो अफशा हो चुका था, लोगों ने बातें भी करनी थी, उसने क्या किया, उसने अल्लाह ताला पे यकीन किया एंड हिज़ विजडम। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड विद हिज वीविंग, अब वो बूढ़ा आदमी बेचारा अब अपनी वो जो है वो टोकरियाँ बुनना उसने अभी भी जारी रखा, हालांकि उसका जो है वो राज अफशा तो हो चुका था। इग्नोरिंग द इंट्रूडर्स, अब उसने वो जो लोग बगैर बताए उसके घर में आ गए थे, उसका राज उन्होंने देख लिया, उन लोगों को भी उसने जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया। व्हेन एवर दे हैपन टू वॉक बाय, जब कभी वो उसके पास से गुजरते थे। अब यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि जब आपका कोई राज है लोगों को पता चल जाए तो लोग आपको मौकरी करते हैं, आप पे हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपका जीना दोबर कर देते हैं। तो वो कहता है कि जब कभी वो उसके करीब से गुजरा करते थे वो बेचारा चुपचाप अपना काम करता रहता था, उसने किसी को भी नहीं कहा, हालांकि वो बड़ा डिस्ट्रेसफुल हो रहा था, बड़ा वो शर्मिंदा हो चुका था दिल में कि यार लोगों को उसके इस राज के मतलब, जिस राज को सारी ज़िंदगी उसने छुपाए रखा वो राज उसका जो है और लोगों पे अफशा हो गया है। His prayers for an explanation were soon answered through a revelation. Revelation कहते हैं वही को, ठीक है। अब वो कहते हैं कि उस वो अल्लाह ताला से दुआ करता रहता था कि अल्लाह ताला मुझे किसी तरीके से इस तमाम अजाब से छुटकारा हासिल हो जाए, इस तमाम परेशानी को मुझसे ख़त्म कर दें। तो इस तरीके से उसको एक रेवलेशन हुई, उसमें उसको उसका जवाब मिला। क्या था जवाब? As you quietly carried on with your work, जैसे कि तुम अपना जो काम है वो बिल्कुल खामोशी के साथ करते हो। अ ग्रुप ऑफ अनट्रस्टिंग टाउन्स फोक्स सर्कुलेटिंग रूमर्स दैट यू आर अ लायर एंड इम्पोस्टर। अब वो कहते हैं कि तुम जितनी खामोशी के साथ अपना ये काम करते हो तो ये तुम्हारे कस्बे के जो लोग हैं जो तुम्हारे साथ तावन नहीं कर रहे वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरह की कहानियाँ जो है लोगों को बता रहे हैं। रूमर से मुराद होती है अफवाह, गॉसिप करना, टॉक करना, कि वो इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं दैट यू आर अ लायर, कि तुम एक झूठे इंसान हो, एंड इम्पोस्टर और तुम धोखा देने वाले बहरूपी हो, प्रिटेंडर हो, डिसीवर हो, तुमने लोगों को धोखा दिया है कि तुम तुम्हारे हाथ नहीं और तुम्हारे हाथ हैं जिससे तुम अपनी टोकरियों को बनाते हो। आई डिड नॉट विश देम टू बी कंसिडर्ड इनफिडल्स, और मैं नहीं चाहता कि उनको काफिर कहा जाए, उनको जो है मेरी बात ना मानने वाला कहा जाए। एंड बी अक्यूज्ड ऑफ क्वेश्चनिंग गॉड्स मिरेकल, और उन पे ये इल्ज़ाम लगे कि वो खुदा के जो मौजे हैं उन पे सवाल उठाते हैं। देयर फोर, इसीलिए आई मेड देम प्राइवेट टू योर सीक्रेट, और इसीलिए मैंने जो है उनको तुम्हारे सीक्रेट जो है वो हिडन, जो किसी चीज़ को रखते हैं प्राइवेट कहते हैं, जो हिडन फ्राम द जनरल व्यू, तो उस इसलिए तुम्हारा राज उन लोगों पे अफशा हो गया है। आई विश देम टू सी देम विद देयर ओन आइज, और मैं ये चाहता हूँ कि वो अपनी आँखों से ये देख सकें दैट मिरिकल दैट यू कैन वीव विद योर बोथ हैंड्स, कि तुम अपने दोनों हाथों के साथ ये इन टोकरियों को बुनते हो। सो दैट दे कैन ऑलवेज ट्रस्ट एंड बिलीव इन गॉड एंड बी सेपरेटेड फ्राम इटर्नल इग्नोरेंस, ताकि वो देख सकें और खुदा पे यकीन कर सकें और वो जो एक मुकम्मल जहालत है वो एक दायमी जहालत है उनसे उनको बचाया जा सके। यानी कि उनके दिलों में ये बात डाली गई है कि ये खुदा की तरफ से एक मौजा है और वो अपने हाथों से जो है वो उनको वीव कर रहा है। रिलीव दैट ही वॉज सेव्ड इन हिज सॉलिट्यूड, और इस बात को जान के कि वो अपनी तन्हाई में मुकम्मल हिफाजत से है। द ओल्ड मास्टर कंटिन्यू वीविंग हिज बास्ट, और जब उसको ये रेलिवेशन हुई कि इस तरीके से जो है वो गॉड भी आपके साथ है, आपके जो है वो इस मिजरी में वो आपको एलिवेट कर देगा इस मिजरी से, इस प्रॉब्लम से, और आप इस सॉलिट्यूड में सेव हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। The old master continued weaving his basket, और इसी तरीके से जो बूढ़ा आका है उसने अपनी जो टोकरियाँ हैं उनको बुनता रहा until the day he died, और इसी तरीके से उस वक्त तक जब तक उसकी वफात नहीं होगी। अब यहाँ पर हम लोग एक पहला लफ्ज़ है solitude, solitude का मतलब होता है तन्हाई, loneliness, isolation, लेकिन solitude और loneliness में थोड़ा सा difference होता है। loneliness में आप बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं, यानी आपसे कोई बोलना नहीं चाहता, आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, ये तन्हाई loneliness कहलाती है। लेकिन ऐसी तन्हाई जिसमें आप उस तन्हाई को enjoy करते हैं, उसमें आप कुछ याद करते हैं, कुछ सीखते हैं, जिस तन्हाई में आप खुदा का जिक्र करते हैं उसे सॉलिट्यूड कहते हैं। जैसे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थे, ठीक है, वो गारे हिरा में सॉलिट्यूड में जाते थे, तन्हाई में जाते थे ताकि वो अल्लाह तबारक ताला का जिक्र कर सकें। लेकिन जो लोनलीनेस होती है वो तन्हाई की फॉर्म जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें ये लोनलीनेस ऐसी होती है जिसमें कोई
आपसे बात करना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पे है सॉलिट्यूड, यानी कि वो खुद से वो उस तन्हाई में रहता था ताकि उस तन्हाई में वो सेफ महसूस कर रहा था, और उसका राज उस वक्त उस दिन तक रहा जिस दिन तक वो मर नहीं गया। अब यहाँ पे हमने इसके मोरल लेसन पे आते हैं। पहला मोरल लेसन तो हमारे पास ये बनता है कि किसी का राज रखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राज एक इमानत होती है और उस इमानत की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि इस राज के अफशा होने की वजह से किसी की इज्जत, किसी की जान और माल का ख़तरा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे वो बास्केट वीवर के साथ था, उसका एक राज था, वो राज लोगों तक पता चल गया, लोगों ने उसका मजाक बनाया, तो वो गॉड की तरफ से उसे हेल्प हुई। दूसरा है किसी की मदद करना, और इस वक्त जब वो आपका मोहताज हो, आपकी तरफ इल्तिजा भरी नज़रों से देख रहा हो, तो इसकी बात को रद्द करना नहीं चाहिए, जैसे कि उस लड़के ने भी उसका राज रखा था। इसलिए अगर आपको किसी का कोई राज मिलता है तो किसी का राज अफशा नहीं करना चाहिए, किसी का राज दूसरों को नहीं बताना चाहिए। वो मामला उसका खुदा का है और वो मामला उसी तक रहना चाहिए। और ये इसीलिए कहा जाता है कि जो मामले खुदा के हैं, जैसे कि नमाज कितनी पढ़ी है, तुमने चैरिटी कितनी की है, तुमने सदका कितना किया है, जो रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसे गॉड तक ही रहना देना चाहिए। और जो इंसानियत से रिलेटेड है, जैसे तुमने कितना खाया है, क्या तुम्हें भूख तो नहीं लग रही, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या तुम्हें कोई मसला है, तो ये सवाल इंसानों वाले सवाल हमें लाजमी पूछने चाहिए। और वो मामला जो खुदा का है, वो उस इंसान का खुदा के साथ ही रह देना चाहिए। अब हम इसकी वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। Thank you for watching this video.